जय हिंद, राम राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंद फिटनेस पे। आज बात करने वाले हैं यार पांच ऐसी चीजों के बारे में, पांच ऐसे टिप्स आपको मैं देने वाला हूँ जो कि आप अगर सुबह रनिंग करने जाते हो और ये पांच टिप्स आप फॉलो करते हो तो आपको रनिंग में बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, शुरुआत करेंगे सबसे पहले टिप से। तो वो सबसे पहला टिप जो आपके लिए होगा बहुत इंपॉर्टेंट, रात का खाना आपको हल्का रखना है। होता क्या है कि सर, जब हम शाम को रनिंग या वर्कआउट करके आते हैं तो हमें बहुत तेज भूख लगती है और हम खा लेते हैं 5 से 6 रोटी। अब 5 से 6 रोटी खाने का मतलब क्या है वो समझो। मान लो आपकी बॉडी को सिर्फ 2 रोटी की जरूरत है और आप 5 रोटी खाते हो तो उससे क्या होगा, पहली चीज समझो। जब आपको 2 रोटी की जरूरत है, आप 5 खा लेते हो तो बाकी की जो 3 रोटी की कार्बोहाइड्रेट है और जो भी उसके मिनरल्स हैं वो सब फैट के रूप में इकट्ठा होते हैं आपकी बॉडी में। और जब वो सब फैट के रूप में इकट्ठा होंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी का फैट बढ़ेगा, ना कि वेट। ठीक है, जब आपकी बॉडी का फैट बढ़ेगा तो होगा क्या कि जब भी आप रनिंग करने जाओगे तो आपकी सांस फूलने की समस्या हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करो कि रात का जो डिनर होता है उसको बहुत ही हल्का रखो। ठीक है, अब इसी में दूसरी बात अगर हम करें तो जब भी आप 5 से 6 रोटी खाते हो और आपके डिनर में आपके सोने में मुश्किल से आधे घंटे का फर्क होता है तो आपका वो जो 5 रोटी है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है 1 घंटे में, आधे घंटे में डाइजेस्ट नहीं हो पाती। और दूसरी चीज, हमें रात में इतनी कैलोरीज की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें तो सिर्फ सोना है, कौन सा वहां अखाड़ा लगना है जाके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 रोटी से ज्यादा रात में नहीं खाना है और बाकी आप ना सलाद ऐड करो, जो भी खाते हो और वो सब खाओ, लेकिन बहुत ज्यादा रोटी चावल रात में आपको नहीं खाना है। नहीं, अगर ये नहीं करोगे तो सुबह वही होगा कॉन्स्टिपेशन, आपका पेट नहीं साफ होगा, या तो फिर आपको जब आप दौड़ने जाओगे तो आपको सांस फूलने की समस्या ज्यादा हो जाएगी। तो समझ में आ गया पहला पॉइंट, बहुत बेहतरीन पॉइंट था। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो रात में दूध, 1 गिलास दूध जरूर पिए। वो क्यों जरूरी है ये समझो। जब भी तुम रात में सोते हो तो तुम्हारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं या मसल्स हैं वो ग्रो करती हैं। ठीक है, जब मसल्स ग्रो करती हैं तो उनको ग्रो होने के लिए चाहिए होता है प्रोटीन। अब प्रोटीन, जैसे तुम मान लो दौड़ के आ रहे हो, ठीक है, थक गए हो पूरी तरीके से, मसल फाइबर टूट चुके हैं, सब कुछ है, तो जब सोते हो तब वो रिपेयर होती हैं। तो सोते समय भी हमें एक प्रोटीन चाहिए होता है जो कि होता है कैसीन प्रोटीन, और कैसीन प्रोटीन पाया जाता है दूध में। तो 1 गिलास दूध आपको पूरा बड़ा वाला गिलास भर के दूध पीना है और आराम से नींद लेनी है। हल्का गर्म दूध पियोगे तो उससे क्या होगा, नींद भी अच्छी आएगी, आपकी बॉडी को जो कैल्शियम की कमी है वो भी पूरी होगी, साथ में रात में जो हमें प्रोटीन चाहिए हमारी बॉडी को, कैसीन, वो भी उसे मिला जा रहा है। तो रात का दूध मत छोड़ना, 1 गिलास दूध आपको रात में जरूर पीना है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे भैया अश्वगंधा ऐड करते हैं, मूसली ऐड करते हैं, जो भी आप ऐड करते हो वो आपके ऊपर है। मैंने सिर्फ दूध के बारे में बताया, बाकी आप जो भी ऐड करना चाहो वो कर सकते हो। बात करें अगर तीसरी चीज़ की, तो तीसरी चीज़ यार ये हमारी ये है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सुबह पेट नहीं साफ होता है। जब भी वो सुबह उठते हैं पेट नहीं साफ होता है क्योंकि जल्दी जाना होता है हमें रनिंग के लिए। तो ये दिक्कतें बहुत लोगों को आती हैं क्योंकि मेरे पास कमेंट भी बहुत आते हैं इस बारे में। तो आपको क्या करना है, जब भी आप रात में सोने के लिए जाओ तो आप एक भगोने में पानी गर्म करो, उसमें 2 चम्मच आप डालो जीरा, हमारे घर में जो जीरा होता है, ठीक है, जीरा डालो और उसको अच्छी तरीके से गर्म करो ताकि जीरे का सारा सब कुछ उसी में आ जाए, पानी में कलर बदल जाता है पूरी तरीके से पानी का। अब इस पानी को आप या तो बोतल में भर के रख लो या एक लोटे में, जो गांव में लोटा नहीं होता, अपने जब घर के लोग सब जाते हैं सोने वोने तो अपने साथ एक लोटा जरूर लेके जाते हैं पानी पीने के लिए, उस लोटे में या तो भर के रख लो और जैसे ही सुबह उठो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आपको वो पूरा पानी पीना है। अब इससे होगा क्या, इससे आपका पेट तो साफ होगा बहुत अच्छे तरीके से, वो तो सही है, लेकिन दूसरी चीज़ ये है जब आप गर्म पानी पीते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाएगा तो आप जो भी फूड खा रहे हो उसका डाइजेशन प्रोसेस जो है वो बढ़ जाएगा, आपको फूड अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होने लगेगा और बाकी आपका पेट जब साफ होगा तो रनिंग में मज़ा भी आएगा। तो ये थे 3 पॉइंट, बहुत बेहतरीन। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। तो चौथी चीज़ यार यही है कि जब भी सुबह रनिंग करने जाओ तो कोशिश करो लॉन्ग रन की। क्यों, क्योंकि जब आप सुबह जाते हो, और ये उनके लिए जिनका वजन ज़्यादा है उनके लिए बहुत सही चीज़ है, जब भी आप सुबह रनिंग के लिए जाते हो तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा भी एक्टिव नहीं होती है तो आप स्लो रन से स्टार्ट कर सकते हो। सुबह आप जाके स्प्रिंटिंग नहीं मारने लगोगे तो आप स्लो रनिंग से धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो और आपका जब पेट सही रहेगा तब आप लंबी दूरी भी तय कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आपका स्टेमिना बढ़ाने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो जरूर ट्राई करना सुबह ये लॉन्ग रनिंग का प्रोसेस, एक बार जरूर करना, फिर देखना इसके रिजल्ट्स कितने बेहतरीन आपको मिलेंगे। 4 चीज़ें हो गई, अब बात करते हैं हम यार 5वीं चीज़। तो 5वीं बात यार हमारी ये है कि सुबह जिनको भी ये प्रॉब्लम है कि 10 से 15 मिनट ही रनिंग या वर्कआउट करते करने के बाद उनको मसल फटीग लगने लगता है, उनको कमजोरी आने लगती है, ऐसा लगता है अगर रुक जाए, थक जाए, अंदर कुछ बचा नहीं होता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, मैं 5 ड्राई फ्रूट बता रहा हूँ, मैं कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, चाहे वो बादाम ले लें,
चाहे मुनक्का, अंजीर, खजूर या तो फिर काजू, इन पांच में से कोई भी एक ड्राई फ्रूट ले लें और थोड़ी मात्रा में ही खाएं, मुश्किल से 3 से 4 या 5। पांच अगर बादाम खा रहे हो तो 5, अगर खजूर खा रहे हो 2 से 3, मुनक्का भी 10 से 12 और काजू भी 4 से 5। बस इतनी चीज़ें, इनमें से कोई भी एक, सारे नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ एक ड्राई फ्रूट आप कोई भी खा के जा सकते हो, जिससे आपको थोड़े अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, जिससे आप आराम से अपना काम अच्छी तरीके से कर पाओगे। दूसरी चीज़ उसमें ये हो जाएगी कि आप बहुत ज़्यादा हैवी कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हो जो आपको डाइजेस्ट ना हो, ठीक है। और सुबह सुबह केला भी मत खाना, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। तो ये 5 पॉइंट कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, और इनको 5ों को ट्राई करना, फिर हमें रिजल्ट बताना। मिलते हैं किसी और बेहतरीन से वीडियो में सुबह 12 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।